राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नेह ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज तारीख हो गई 19 अगस्त 2024, समय बज रहा है 3 बजने वाला है। भाई घर से रीडिंग जीरो करके निकले थे, ट्रिप एक हमने जीरो कर लिया था, इतने किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है और ये कुछ ईंधन रहा भाई। और भाई ऊबर की डिवाइस ये रही, हालांकि इंटरसिटी कई बार आ चुकी लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं की। उसका कारण ये है भाई कि फेयर बहुत कम दिखा रहा है, और ओला से हमने बुकिंग एक्सेप्ट कर ली है जो कि ये बुकिंग है। अब आपको इसकी डिटेल में जाके दिखाते हैं भाई। देखो आशीष नाम है कस्टमर का, और पिकअप करना हमें गोवा गार्डन जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। भाई 308 रुपये उसमें बुकिंग आ रही सर्च की 1.2 की। आसियाना छोड़ना है उनको, 1337 रुपये दिख रहा है, 87 किलोमीटर का जो है दूरी दिख रही है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, कस्टमर से बात हो चुकी है, उन्होंने बोला ठीक है मेट्रो स्टेशन के नीचे आ जाना, मैं आपको वहीं पर मिल जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, एडवांस की बुकिंग थी, 3 बजे का पिकअप था भाई। ये बुकिंग हमारे पास 1:30 बजे ही आ गई थी, और 1.5 घंटे पहले आ गई थी, 2 घंटे। अब बुकिंग बैक टू बैक आ रही है, लेकिन सर्च वही 1.2 का लग रहा है। अगर हम लोकल में चलाते भी हैं, अगर चला रहे होते, रक्षाबंधन का दिन है तो जब तक सर्च डबल करने लगे 2×1 का 2×0 का, तब तक हम नहीं चलाते भाई। 2 घंटे में 393 रेंटल की बुकिंग आ रही थी, वो भी हमने पास कर दी। अभी कल्याणपुर चौराहे पे आ गए, यहाँ से राइट मुड़ेंगे आईटी की तरफ, और वहीं पे मेट्रो पे खड़े होके इंतज़ार करेंगे भाई। क्या बात है, अब देखो 296 रुपये की, मतलब कोई भी बुकिंग 200-300 ऐसी बुकिंग आ रही है, 250-200-300 इस तरीके की। आज भाई जो लोकल में चला रहा होगा उसका तो अच्छा काम हो जाएगा, हालांकि मैंने तो लोकल में चलाया नहीं क्योंकि मेरी मम्मी भाई एडमिट हैं। देखो फटाफट आ रही बुकिंग, तो उनकी देख रेख में लगा हुआ था। फिर हमने कहा चलो, घर के लोग आ ही गए थे, हमने कहा चलो कुछ अर्निंग वगैरह कुछ हो जाए, क्योंकि अस्पताल में ज़रूरत पड़ती है पैसे की। अब क्या एक चक्कर लगा लेंगे तो ना कुछ अपना टारगेट पूरा हो जाएगा, 2000 रुपये लगभग बच जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि खर्चा भी हो रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग भी होता रहे तो सही है, और वीडियो भी बनाने का तो है, एक कॉन्टेंट मिल जाएगा, है ना। घर पर रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब देखो 179 की आ रही है, 97 की आ रही है, 197 रुपये की, ऐसा है मेरे कुछ हिसाब किताब। अब देखते हैं दूरी कितनी बची है, हालांकि आईआईटी मेट्रो स्टेशन बोला था। देखो 201 रुपये की वही बुकिंग हो गई है, ये है भाई सिस्टम। इनको गोविंद नगर जाना है भाई। तो भाई ये उबर ओला की आईडी दूसरी है हमारी, क्योंकि हमारी खुद की जो आईडी है वो भाई बंद है, क्योंकि आउट स्टेशन की कैटेगरी बंद है, तो अब लोकल की चला नहीं रहे। अब देखिए भाई इंटरसिटी आपको दिखाते हैं, देखो इंटरसिटी बज रही है 1251 रुपये की, लेकिन इसको हम नहीं ले जाएंगे भाई, ये हमें लिए नहीं सही है, इससे तो अच्छा ओला से हम चले जाएंगे। ओला की बुकिंग हम एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, और 3 बजे का भैया पिकअप भी है हमारा, और लगभग हम पहुँचने वाले भी है, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब देखो भाई फिर इंटरसिटी के बाद देखो ये 1054 रुपये की है, आसियाना की है, मतलब हमारे पास लगभग 1 घंटे में 10 बुकिंग आ चुकी हैं इंटरसिटी की। तो हम कोई भी इंटरसिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खोले इसलिए थे कि शायद कोई 2-2.5 हज़ार की बुकिंग आ जाए, क्योंकि एक ही बुकिंग करनी है तो ढंग की जाए, तो अभी तक तो फिलहाल आ ही नहीं है। अब देखो 1511 रुपये की है गो इंटरसिटी, 106 किलोमीटर की, लेकिन इसे भी भाई हम नहीं ले जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता, गोल्ड सिटी जाएंगे भाई। बुकिंग तो अच्छी थी लेकिन अब क्या ही किया जाए। आज देख लो भाई कितनी 3 बुकिंग बैक टू बैक हमारे पास आ चुकी हैं, एक गो इंटरसिटी की और 2 इंटरसिटी की, जिसमें एक में 1200 दिख रहा था, एक में 1000 रुपये कुछ दिख रहा था, इसमें 1500 कुछ रुपये दिख रहा था। तो गोल्फ सिटी का थे और पैसा तो खैर अच्छा दे रहा था, लेकिन दूरी कुछ ज़्यादा थी। चलिए कोई नहीं, फिलहाल कस्टमर के पास फ़ोन मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ पर हमारा कस्टमर है। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और जो भाई हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो कस्टमर्स करते हैं बात, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसके मत कीजिएगा वीडियो में। तो जो भी भाई हमारे देख रहे हो, मन लगा के देखें, और कस्टमर से बात करने के बाद बताते हैं आप लोगों को। आप देखो भाई डिवाइस शांत हुई है कहीं जाके, तो भैया आ गए कंपनी ए मतलब लखनऊ, और कस्टमर को ड्रॉप कर दिए हैं, और फिर
पिकअप मिल गया है, एलडीए कॉलोनी से पिकअप है और ले जाके जो है अपने मैनौती मार्ग पे छोड़ना है, जो कि हमारे क्षेत्र में ही पड़ता है। अच्छी बुकिंग है, ओला की राइड है। हालांकि उबर में भी आ रही थी भाई आज, भाई कंपनी ने कुछ सही बिल नहीं दिया है। क्या है, तुरंत बुकिंग आ गई। अगर बुकिंग ना ही होती तो आपको फेयर दिखाते, फेयर बहुत ही गंदा दिया है भाई। 3 बजे चला था, 7 बजे पहुंचा हूं, आपको समय दिखा दूं। अब जब वहां से चला था 3 बजे का पिकअप था, यहां 4 घंटे लग गए आने में, लेकिन बस वही 1200-1300 रुपए ही कंपनी ने आने का हमको दिए हैं। गाड़ी भी हमारे घर से अभी तक 104 किलोमीटर चल चुकी है। अब एलडीए कॉलोनी वाला जो पिकअप है उसमें तो दिखा रहा भाई 1500-1600 रुपए। अब देखते हैं कितना मिलता है, अगर इतना मिल जाता है तो टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा, और अगर जो इससे कम मिलता है तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी भाई, मतलब टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। मेहनत तो बहुत पड़ गई और सीएनजी भी भाई बहुत लग गई। आपको दिखा दें, हम टंकी फुल कराई थी भाई, आधे से भी ज़्यादा खा गई, आधे से कम अब बची हुई है। ये कोई हिसाब किताब है। तो आज का भाई काम कुछ ऐसा है कि बस ड्यूटी ऑन करो, बस फटाफट बुकिंग लो भाई। अभी गो इंटरसिटी की यहाँ लखनऊ से बज रही थी तो हमने छोड़ दी, हमने कहा चलो हटाओ, क्योंकि 5 किलोमीटर यहाँ से पिकअप दिखा रहा था। वो आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज के दिन क्या चल रहा है भाई, इतना जाम है हर जगह, हाईवे तक जाम है भाई। उन्नाव बाईपास पे वो भयंकर जाम लगा हुआ था भाई कि निकलने में पसीने छूट गए। हालांकि एसी चल रही थी तो मजाक वाली बात है, तो पसीने क्या ही छूटेंगे। लेकिन फिलहाल यार बहुत जो है जाम वाला एरिया था, खासकर त्योहार दिन आज के दिन हमेशा होता है, मुझे तो एक्सपीरियंस था। अब 3 बजे से स्टार्ट किया काम, देखते हैं कि अब इधर से 7 बजे पिकअप करेंगे तो 8, 9, 10, हाँ 10 तो बज ही जाएंगे, और 10 बजे तक देखते हैं कितना काम कर पाते हैं। फिलहाल कस्टमर के पिकअप लोकेशन के पास में आ गए, फटाफट पिकअप करके यहाँ से निकलते हैं एलडीए कॉलोनी। तो छोड़ा था आसियाना भाई, मतलब पास से ही 2 किलोमीटर दिख रहा था पिकअप, जहाँ हमने कस्टमर को ड्रॉप किया है वहाँ से यहाँ तक का 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दिख रहा था। चलते हैं भाई पिकअप करते हैं चल के। ये देखो किसी ने बंदर से बचने के लिए इस गाड़ी पे कैद लगा रखा है। खैर अभी शीशे नहीं साफ है क्योंकि यहाँ बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, बाद में दिखाएंगे। कांटे से लगा रखे हैं ताकि बंदर उसकी छत पे न चढ़े, बोनट पे न चढ़े, डिग्गी पे न चढ़े। तो ये कुछ है हिसाब किताब भाई, देखते हैं। यही कस्टमर है भाई, बस ले कर फटाफट यहाँ से जो है इनको ले कर निकलते हैं और फेयर वगैरह जो भी होता है बताते हैं आप लोगों को। तो ये तो अच्छी बात है, हमारे घर की तरफ का ही ड्रॉप है, मज़ा आएगा काम करने में। लेकिन भाई आज ओला ने सही नहीं किया, कायदे में जब जाम लग गया है, 2 घंटे के सफ़र में 4 घंटे का समय लग रहा, तो बिल भी बढ़, हमारा उम्मीद था कि 1500 रुपये देगा, लेकिन 1200-1300 ही दे पाया भैया। तो भैया वापस आ गए कानपुर, और कानपुर में जो है अपना मकड़ी खेड़ा में ला के कस्टमर को ड्रॉप कर दिए। बस एकदम जो है सीएनजी पंप के एकदम पीछे था भाई, आपको दिखा दे, 2 बुकिंग हमने ओला में की हैं और 2821 रुपये काम हुआ है। 821 का सीएनजी निकाल लेते हैं, फिर भी 2000 आज अपनी बचत हो गई, जो कि टारगेट पूरा हो गया है। गाड़ी 200 किलोमीटर भी नहीं चली, 192 किलोमीटर। अब 192 किलोमीटर में 821 रुपये की सीएनजी पर्याप्त है, ना ही कम है ना ही ज्यादा है भाई। तो 2000 आज अपनी बचत हो चुकी है और हम जा रहे हैं भाई सीधा घर की तरफ। ये देखो, लेकिन भाई आज हाँ दिखा दे, अभी 11 नहीं बजे, ठीक है 11 बजने वाले हैं, 3 बजे निकले थे और 11, मतलब ये समझ लो जो है लगभग 8 घंटे काम है भाई ये। 8 घंटे में 2000 रुपये की अपनी बचत हो गई। देखो पानी यहाँ बरसा है भाई, तो गलियों में भरा हुआ है। हालांकि जाते में बहुत ज्यादा जाम मिला था, आते में भी जाम मिला है, जैसे कि बनी में हमें जाम मिला था, उसके बाद जो है दही चौकी पे थोड़ा जाम मिला और उन्नाव बाईपास पे जाम मिला, उसके बाद जो अपना बदरका वाला मोड़ है आजाद मार्ग वहां पे जाम मिला, उसके बाद आए तो भाई सरैया क्रॉसिंग भी अपना खुला थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। गंगा बैराज से एक समय एकदम सन्नाटा था ही, एकदम दबा हुए चले आए भाई। कस्टमर से पेमेंट वगैरह ले लिए हैं, जो कि जाने में तो ओला मनी हो गई थी, आने में फिलहाल अपना ये रकम है भाई, जो कि कुल मिला के ठीक है, जो भी है अच्छा है। तो यहाँ चलते सीधा घर की तरफ। तो भाई त्योहार में आप लोग जो है बुकिंग वगैरह ले प्राइवेट तो सोच समझ के लें, जैसे कि डेली लोकल में हम लोग चलाते हैं 800 रुपये प्लस जो है फ्यूल पे, लेकिन जब सहालक वगैरह आए या फिर जब ज़्यादा काम हो, त्योहार वगैरह हो भाई, तो रेट थोड़े से हम लोग हाई कर देते हैं।
अब 800 रुपए की जगह 1000 रुपए गाड़ी का भाड़ा और 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब लेते हैं भाई, गाड़ी निकालने फंस गई है। तो भाई जैसे कि हम लोग लोकल में चलाते हैं 800 रुपये भाड़ा, तो 200 रुपये बढ़ा देते हैं और समय वही 8 घंटे का रहता है। अब बाहर जाते हैं तो 10 रुपये किलोमीटर लेते हैं, लेकिन जब सालक वगैरह आ जाती है तो भाई 12 रुपये जोड़ देते हैं। तो कुल मिला के जब काम ज़्यादा होता है तो हम लोग रेट थोड़ा सा हाई बताते हैं, ताकि जो हम लोगों का मार्जिन बराबर हो जाए। तो हमारे पास तो भाई अपना उसी में बिजी थे, मम्मी बीमार आप लोगों को पता ही होगा, तो 3 बजे निकल ही पाए। तो 3 बजे ना भी निकलते, अगर 4 बजे भी निकलते तब भी अपना टारगेट जो है कुल मिला के पूरा हो जाता, क्योंकि इस समय इतना काम है भाई। जब भी आप डिवाइस ऑन करोगे ना तब भी आपके पास काम आ जाएगा। और ये देखो एकदम गंगा जी भरी हुई है भाई, ये कुछ सिस्टम है भाई बड़ा यार, जो है इस समय जो है पानी ही पानी ऐसा समझ लो भाई। और लग रहा है बातों में भाई अच्छा मोड़ आगे, जहाँ से वो कार निकल रही वहीं से हमको मुड़ना है भाई। देखो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई भाई कि नीचे पानी ही दिख रहा होगा आपको, देखो ऐसा कुछ है भाई। इस रोड से वैसे भी मैं कम ही आता हूँ भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा और ये तो इतना पानी है, अगर बहुत ज़्यादा भर जाए तो गाड़ी यहाँ निकालना मुश्किल हो जाता है। रोडें बनी हुई हैं तब ये हाल है, निकल जाता हूँ। हाँ तो कहने का मतलब यही है, जब सालक वगैरह हो या कोई बड़ा त्योहार जैसे कि आज रक्षाबंधन था भाई, इतनी ओला में आउट स्टेशन की बुकिंग थी और ऊबर में इंटरसिटी गो इंटरसिटी सजा इंटरसिटी ना भरमार थी। अब उधर से भी हमारे पास गो इंटरसिटी बजी थी 1500 रुपए की, लेकिन वो पिकअप दूर था भाई, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर का दिख रहा था। तो हमने कहा नहीं भाई अब जाम का समय है, 6-7 किलोमीटर 1 घंटे में पार होएंगे, तो फिर हमने वो एक्सेप्ट नहीं की और फिर ये बुकिंग एकदम पास से आगे 2 किलोमीटर की रेंज से, तो हमने ये उठाना ज़्यादा जरूरी समझा। तो ये भी हमारा ओला वाला भाई भाई पीछे जा रहा है अपनी गाड़ी के, तो कोई बात नहीं। फिलहाल अब आज के लिए इतना ही, कल फिर से वीडियो बनाएंगे फंडिंग को लेके। कुल मिला के हमारा टारगेट पूरा हो गया है आज का, कल का देखते हैं हो पाता नहीं हो पाता है, या गाड़ी निकालते ही नहीं निकालते, क्योंकि मम्मी की तबीयत कुछ सही नहीं है, बुखार आ गया था भाई कल भी आज भी आ गया था, तो वीकनेस उनको है और आज तो दोबारा आ गया था। तो चलो जैसा भी होएगा बताएंगे आप लोगों को। बकाया आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। तो सभी भाई को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहे, मस्त रहे, सर्कल चलाते रहे, ओके, जय हिंद, जय भारत।